वीरा ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन और ये रहा पूरा फुली ब्लैक दोनों पहन लिया। ये वाला जो कलर है ना मेरा टी-शर्ट के साथ थोड़ा मैच हो रहा है तो इसीलिए। और ये तो फिटिंग हो गया, आप लोग देख सकते हैं कितना आसानी से फिटिंग हो गया। और ये जो फिटिंग हुआ ना कैसे फिटिंग हुआ? इच्छा आता है साला सालन कितना चाहिए इन लोगों का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते हैं आप लोग मैक्सिमम लोड 7 kg, तो ये वाला के ऊपर में ये वाला लगेगा ना। यहाँ से स्टार्टिंग 18 लीटर से होता है। वो बोला ना 18-20। तो मैडम इंडिकेटर तो दे दिया लेकिन क्यों नहीं जाते हो राइट साइड? टफी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू टफी। आज मतलब टफी का बर्थडे है तो थोड़ा स्पेशल करना होगा कुछ ना कुछ तो स्पेशल करना होगा। देखते हैं क्या करते हैं। और बहुत गर्मी भी है तो इसके लिए इसको थोड़ा खाना वाना दिया अभी और जाएंगे थोड़ा बाहर, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था ना कि 15 अगस्त शुरू होगा हमारा राइड। जाओ 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 जाओ, इसका मतलब फेन नहीं होने से ना उसको एकदम पूरा ख़त्म हो जाता है ये। तो मैं बोल रहा था कि 15 अगस्त से राइड होगा, मैंने आप लोगों को बोला था ना। तो राइड होगा 16 अगस्त से, क्योंकि 15 अगस्त तो कल है तो आज 14 अगस्त है, तो 16 तारीख से होगा राइड। और कहाँ जाऊँगा आप लोगों को बताऊँगा नेक्स्ट वाला वीडियो पे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू डे। आशा करते हैं आप लोग सब मस्त है, बढ़िया है। तो राइड तो होगा लेकिन उससे पहले करना है थोड़ा बहुत काम, क्योंकि मेरा जो आपका बाइक है बाइक के पीछे टॉप बॉक्स नहीं लगाया था, तो मैंने सोचा कि आज टॉप बॉक्स लगाएंगे। और अभी टाइम हुआ है 2:30 के आसपास होगा, और ये वाला वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि आज ही अपलोड करने के लिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी जाएंगे जाके टॉप बॉक्स लगाएंगे, क्योंकि टॉप बॉक्स लगाने से थोड़ा बहुत आसानी होता है सामान कैरी करने से, और मेरा टॉप बॉक्स भी नहीं था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज जाके टॉप बॉक्स लगा लेंगे, और साथ में एक ग्लोव्स भी लेना होगा। मेरा जो पहला वाला ग्लोव्स था तो वो वाला ग्लोव्स था थोड़ा बहुत अभी काम नहीं कर रहा, क्योंकि 1 साल हो गया देख सकते हैं ये वाला ग्लोव्स ही यूज़ कर रहा था राइनोक्स का, तो इसका 1 साल हो गया। और मेरा ऑल्टरनेट ग्लोव्स नहीं है, एक है ऐसे नॉर्मल आपका सिटी में जाने के लिए सिटी में चलाने के लिए एक नॉर्मल वाला ग्लोव्स है, तो वो वाला ग्लोव्स तो काम नहीं होगा राइड पे। तो इसलिए मैंने सोचा अभी जाएंगे टॉप बॉक्स लगाएंगे, टॉप बॉक्स के साथ साथ एक ग्लोव्स भी खरीद के लेके आएंगे। तो चलो जाते हैं ना। और अभी आज तो मैंने बोला ना आप लोगों को कि टफी का भी बर्थडे है, तो इसीलिए टफी का भी थोड़ा बहुत बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। किससे करेंगे थोड़ा बहुत देखते हैं, और अगर कितना अच्छा होता ना अगर इसको भी पता चलता कि आज इसका बर्थडे है। तो देखो ना इसको, देखो ना ये रूम, ना ये रूम में रहने से इसको अच्छा लगता। और चलो जल्दी जल्दी काम खत्म करते हैं, उसके बाद आना है फिर से रूम पे। और इस चैनल में जो जो नया है भाई लोग एक लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना है ना। चलो लेट्स गो। और बाइक भी ना बहुत गंदा हुआ है तो इसको भी धुलवाना है। देखते हैं आगे एक वॉशिंग सेंटर है, अगर वो वाला ओपन मिलेगा तो सही होगा, नहीं तो और आगे जाना होगा क्योंकि मुझे कोई दूसरा साइड में जाना होगा। तो उसके वजह से ना अगर यहाँ पे मिलने से अच्छा होगा मेरे लिए। और स्टिकर भी बनाने के लिए दिया था यहाँ पे, स्टिकर मतलब मेरा लोगो जो रोमिंग राइड का लोगो है, थोड़ा बहुत स्टिकर बनाने के लिए दिया था, क्योंकि जगह जगह पे जाने से अगर मेरा वाला स्टिकर लगा हुआ रहेगा तो अच्छा रहेगा लगेगा ना, तो उसके वजह से थोड़ा बहुत स्टिकर बनाने के लिए दिया था। और हो भी गया शायद, क्योंकि सोमवार को देने वाला था, आज तो वेडनेसडे हो गया, तो ले लेंगे आने के टाइम पे। चलो आगे, अभी वॉशिंग करना है भाई। चलो यार कैसे यार जाता ही नहीं है। सूतिया साला कैसे यार कैसे कैसे आते है भाई गाड़ी, इधर देखता ही नहीं है साला ये वाला। होबो यहाँ पे तो आदमी नहीं है भाई, तो मेरा तो बहुत देरी हो जाएगा ऐसा करने से, शायद खाना खाने के लिए गया है। चलो आगे जाते हैं, यहाँ पे रुकने से बहुत देरी हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी एक बाइक है वहाँ पे। और ये वाला जो वॉशिंग सेंटर है ना ज़्यादा लोग नहीं रहता है, 1 या 2 आदमी रहता है, तो टाइम लग जाएगा यार, क्योंकि ऑलरेडी एक स्कूटी वहाँ पे दिया हुआ है, काम हुआ ही नहीं उसका। चलो थोड़ा आगे जाते हैं, आगे जाके देखते हैं। ओ मैडम इंडिकेटर तो दे दिया लेकिन क्यों नहीं जाते हो राइट साइड? और ये देखो यहाँ पे अगर पुलिस रॉन्ग साइड से आता है ना तो कुछ नहीं होता है, देख सकते हैं रॉन्ग साइड से आता है साला सालन कटना चाहिए इन लोगों का। जो पब्लिक होता है ना पब्लिक का तो अच्छे से सालन काटता है, लेकिन पुलिस जब कुछ करता है ना पुलिस को कुछ होता नहीं है ना।
चलो कुछ देरी आने के बाद एक दुकान खुला मिला, यहाँ पे वॉशिंग कर लेते हैं। ठीक है, क्या हुआ? चलो बहुत बड़ा काम हो गया भाई। चलो पहुंच गया दुकान, अभी लगाएंगे सामान। तो आ गया फाइनली दुकान पे और मेरे पास है सदाब भाई। कैसे आप? बढ़िया, मस्त। तो दुकान का नाम तो बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। और सदाब भाई एक ब्रांड है बाइकर सोफी का, है ना? तो यहाँ पे ना मुझे बहुत सारा ऑप्शन मिल रहा था, तो ये है एमजी का, कितना लीटर का है? 45 लीटर का। 45 और हैंडल्स के हैंडल्स का आता है। अच्छा, पिलियन के लिए भी सही रहता है। अच्छा, और ये वाला? ये 65 है। 65, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। कलर ऑप्शन सिल्वर भी आता है यहाँ, और भी कलर ऑप्शन है सिल्वर और ब्लैक। हम लोगों का यहाँ से स्टार्टिंग 18 लीटर से होता है। 18 लीटर वो वाला ना, 25 अप टू 65 है। और कलर इसमें सिल्वर और ब्लैक आ जाता है। एंड एडिशनली आपको बैक रेस्ट इसमें मिल जाएगा, और आप वाला जो है वो और थोड़ा अलग है। हाँ। इसमें पिलियन के लिए भी हैंडरेल है, तो हैंडरेस्ट के लिए सही रहेगा। अच्छा, बाकी ये सारा पेनियस है। और ये जो केटीएम लिखा हुआ है, मतलब प्रिंटेड है या ऐसा ही आता है? ये वाला ये स्पेशली केटीएम के लिए आता है, एडवेंचर के लिए। अच्छा, फिटिंग्स भी एडवेंचर के लिए ही आता है। अच्छा, तो नॉर्मली दूसरा बाइक के लिए लगाने के लिए फिर हम लोग को एडिशनली वो करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं इसका क्या क्या कलर में आएगा? सिल्वर और ब्लैक ना। तो मेरा तो बाइक पे बाइक तो ऐसे नॉर्मल व्हाइट और ब्लैक है, लेकिन ये वाला ज्यादा अच्छा लगेगा ना, सूट करेगा। हाँ, ये वाला हैंडल है ना, हैंडल चाहिए। हाँ हाँ, ये रहने से क्या होता है, पिलियन पिलियन के लिए सही रहता है, तो प्रॉब्लम नहीं होता बैठने में ना। तो सिल्वर और ये कलर ना, सिल्वर, तो ये वाला कलर ले लेंगे। ठीक है, चलो ये वाला फिटिंग करते हैं अभी। टॉप प्लेट ना, टॉप प्लेट इसी के साथ आता है ना, तो आप लोगों को ना एक्स्ट्रा खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बॉक्स के साथ ही ये वाला टॉप रैक आता है। तो पहला वाला जो था ये था ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, मैक्सिमम लोड 7 kg। तो ये वाला के ऊपर में ये वाला लगेगा ना, बड़ा वाला। तो इसको ये तो फिटिंग रहेगा यहाँ पे, और उसके साथ ये वाला रहेगा, उसके बाद उसके ऊपर में ये वाला टॉप बॉक्स बैठेगा। तो अभी लगाएंगे, और ये तो फिटिंग हो गया, आप लोग देख सकते कितना आसानी से फिटिंग हो गया। और ये जो फिटिंग हुआ ना, कैसे फिटिंग हुआ एक बार दिखा दो। अरे भाई कितना मजा, ये कहाँ पे लगता है, मतलब यहाँ पे वो नीचे का लॉक है, तो ये वाला यहाँ पे आ जाता है ना। ठीक है, होल के साथ मिला के डायरेक्ट थोड़ा आगे, बस लॉक लग गया, अभी फिटिंग हो गया है ना। अभी इसका चाबी लॉक है, ताला मार दीजिए तो ये नहीं निकलेगा। बहुत आसानी से फिटिंग हो जाता है, ताला मार दे। अभी आपका लॉक हो गया, ये बैक रेस्ट है। और ये बैक रेस्ट है, जब कोई पीछे बैठेगा ना उस टाइम पे यूज करेंगे, क्योंकि अभी तो लगा दूंगे क्या। हाँ, लगा दो। हाँ, बैक रेस्ट और हैंडल भी है, अगर कोई पीछे बैठेगा तो आराम से जा सकते है, आराम से ना, हाथ दे दे के जा सकते हैं भाई। और यहाँ पे लग गया अपना टॉप बॉक्स। तो ये वाला ना रेडियम दिया है, तो दो पीस आए रेडियम का, ये वाला और ये वाला। और यहाँ पे पूरा ब्लैक ही है, अगर यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स डाल लेंगे ना तो और भी सुंदर लगेगा बॉक्स पे। दूर से अगर देखेंगे ना कुछ इसी तरह दिखता है, और जब बॉक्स पे कुछ ग्राफिक्स लगेगा ना तब और भी अच्छा लगेगा यार, खतरनाक कैसा लुकाएगा ना। तो अभी तो फिलहाल ऐसा ही लुका रहा है, ठीक है, मस्त है। और यहाँ पे बहुत सारे एक्सोर का ग्लोब्स है, तो बहुत सारा ग्लोब से कलेक्शन भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये वाला जो ग्लोब है ना, ये वाला ग्लोब ज्यादा अच्छा लगा मेरे पे, और सूट भी अच्छा कर रहा है, देख सकते हैं कुछ इसी तरह दिखता है। तो ये वाला जो ग्लोब है ना, इसका नाम है गेटर। इसका और एक कलर है ना, क्या कलर में आता है ये वाला? और ब्लैक रेड। हाँ, ब्लैक रेड दिखाओ तो एक बार, दिखाओ ना, अच्छा लग रहा है तो। ये वाला ब्लैक रेड आएगा, ब्लैक रेड, और ये रहा ब्लैक रेड। तो मुझे तो वो फुली ब्लैक वाला ही अच्छा लग रहा है, लेकिन ये वाला कलर भी सही है भाई, ये ब्लैक कलर और रेड कलर जो कॉम्बिनेशन है अच्छा लग रहा है, क्योंकि ब्लैक और रेड में अच्छा ही लगता है ना। ये रहा ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन, और ये रहा पूरा फुली ब्लैक, दोनों पहन लिया। ये वाला जो कलर है ना, मेरा टी शर्ट के साथ थोड़ा मैच हो रहा है, तो इसीलिए अच्छा लग रहा है। और ये वाला फुली ब्लैक है, ये भी थोड़ा अच्छा ही लग रहा है, लेकिन मेरा जो जैकेट है ना वो थोड़ा अलग किस्म का कलर का है, तो इसीलिए ये वाला कलर ले लो, ब्लैक कलर, क्योंकि सबसे मैच होता है ये वाला कलर, तो इसीलिए ये वाला कलर ले लेंगे। लेकिन ये भी सही लग रहा है ना। हाँ, सही लग रहा है। क्या क्या मॉडल है इसका? गेटर, गेटर, गेटर वाला मॉडल। तो ठीक है, ये वाला फाइनल कर दिया। ठीक है भैया, आते ठीक है, चलो ठीक है, सी यू सून, ओके, अभी आते
बढ़िया, आपको भी मिलके अच्छा लगा, फिर हफ्ते ही मिला आपको, ठीक है चलो आते हैं, चलो बाय बाय। सारा जो काम है ना हो गया अच्छे से, अभी सिर्फ राइट में जाना है भाई। और अगर आप लोग कुछ भी सामान लगाना है, अगर आप लोग रहते हैं गुवाहाटी में या नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी रहते हैं, आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं बाइकर शॉपी में, उन लोगों का इंस्टाग्राम का पेज भी है, आप लोग फॉलो कर सकते हैं बाइकर शॉपी, और वहाँ पे सब कुछ एसेसरीज जो है आप लोगों का बाइक के हिसाब से वो सब मिल जाएगा। और फाइनली मेरा भी काम हो गया। और ये जो दुकान है ना पूरा बजट फ्रेंडली दुकान है, बजट फ्रेंडली पूरा, आप लोगों को अच्छा अच्छा प्राइस में अच्छा अच्छा सामान मिलेगा और पूरा जेन्युइन सामान मिलेगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप लोग अगर सामान खरीदते हैं तो बाइकर शॉपी से ही खरीदिएगा, क्योंकि आप लोगों को अच्छा वाला सामान एक अच्छा प्राइस में मिल जाएगा और पूरा जेन्युइन के गारंटी के साथ। मैंने कुछ मतलब स्टिकर प्रिंट करने के लिए दिया था तो लिया नहीं था, अभी स्टिकर वगैरह ले लेते। दुकान में गया था लेकिन अभी तक हुआ नहीं है काम, तो वो लोगों ने बोला कि 8 बजे आने के लिए, तो ठीक है चलो 8 बजे आके स्टिकर वगैरह अगर कंप्लीट होगा तो लेके जाएंगे, क्योंकि परसों भी तो निकलना है ना और कल रहेगा बंद, तो इसीलिए आज ही लेना होगा सामान, जो स्टिकर वगैरह है आज ही लेना होगा। और मैंने और मेरा वहाँ पे ऑप्शन भी मिला था मुझे 45 लीटर का, मैंने जो इंस्टॉल किया आपका टैंक क्या बोलते हैं इसको भूल ही गया यार, नाम ही भूल जाता हूँ मैं यार, क्या नाम है उसका, टॉप बॉक्स मैंने लगाया 45 लीटर का टॉप बॉक्स, और वहाँ पे अवेलेबल था 55 लीटर और 65 लीटर का भी, लेकिन बाइक पे इतना अच्छा से शो नहीं आता है और इतना बड़ा लगा के करूँगा भी क्या है ना, तो और साइज़ भी तो आना होगा बाइक पे, अगर बाइक पे इंस्टॉल करने के बाद बाइक ख़राब लगता है तो कैसा फील होगा है ना, तो इसीलिए 55 वाला भी नहीं लिया, 65 वाला भी नहीं लिया और लगा लिया 45 वाला, 45 वाला ना सही लुक आता है, तो इसीलिए ये वाला इंस्टॉल किया। और यही था वीडियो, परसों निकलना होगा यहाँ से, और ये वाला वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा आप लोगों को ये वाला वीडियो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा एक लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना है ना, और अगर नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, साइनिंग ऑफ संजीव शर्मा रोमिंग राइड्स, टेक केयर, टाटा, बाय बाय गाइस, बाय बाय।